अच्छा जी, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। हम दोबारा वहीं से शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी, आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, चले जी, हम यहाँ से थ्रू हो गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट की बेस पे एक सिस्टम डिजाइन किया गया जिसको बोलते हैं टाइम क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है जी। अब ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। अगर आपको इम्पोर्टेंट और अर्जेंट क्लियर है तो आपको टाइम क्वाड्रेंट सिस्टम समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए ज़रा सा हम एक दफ़ा फिर रीट्रेट कर लेते हैं कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या फ़र्क होता है। जी बता दीजिए, अर्जेंट क्या है? सर जैसे अभी लाइव मैच हो रहा है तो वो हमें देखना है, वो अर्जेंट है। इम्पोर्टेंट वो है सर जो जो जिसका ताल्लुक हमारी विजन से है, जो हमारे लाइफ गोल्स में विजन के लिए इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। और अर्जेंट वो है जैसे कि सर हमें क्या कहते हैं असाइनमेंट देना पड़ा है और क्विज देना पड़ा फौरन, तो ये अर्जेंट है जी सर। उसका टाइम लिमिट होता है, इसलिए वो अर्जेंट है। टाइम बाउंडेड है अर्जेंट जो होता है। यस सर। यस सर, बिल्कुल सही कहा कि अर्जेंट इज अ टाइम बाउंडेड एक्टिविटी। इट मे बी इम्पोर्टेंट, इट मे नॉट बी इम्पोर्टेंट, है ना? इम्पोर्टेंट इज नॉट टाइम बाउंडेड। इम्पोर्टेंट इज नॉट टाइम बाउंडेड। इम्पोर्टेंट इज समथिंग विच ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई वर्थवाइल गोल। अब इसकी बेस पे अगर हम गुफ्तगू करें अपनी, तो हमारे सामने ये चीज आती है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जिस तरह आपने कहाँ पढ़ा होगा, इंट्रो टू ईआरपी या ईआरपी फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा ना, 0110 के चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एंड और लॉजिक गेट वाले। वो क्या बन सकते हैं? यस सर, कि भाई अर्जेंट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट, और नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। हम इनको चार हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं और इनका नाम रख देते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जो इम्पोर्टेंट भी हों और अर्जेंट भी हो। जैसे अभी आपने कहा क्विज देना है, तो चूंकि पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कोर्स पास करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और क्विज वक्त पे देने से आपके पास होने में हेल्प होगी, इसलिए क्विज देना टाइम से पहले या एग्जाम देना टाइम से पहले या क्लास में वक्त में आना बिकम्स इम्पोर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट। कैन आई गेट अ यस फॉर दिस? बात समझ आई? यस सर। यस सर। अब हम आ जाते हैं Q2 पे, अभी पे हम बात नहीं करा, Q3 पे आ जाते हैं। Q3 वो है, इसमें वो एक्टिविटीज हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट हैं। वो आपने करनी ही करनी है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपको पिनलाइजेशन होगी, लेकिन वो डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी के वर्थवाइल गोल में ऐड नहीं होती। ठीक है, इस पर हमने बहुत सारी बात कर ली कि जनाब एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव से हम जो कुछ भी करते हैं वो अर्जेंट तो नहीं होता। वो अर्जेंट होता है अगर लाइव है, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में तफरी की भी कोई ना कोई वैल्यू तो है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि भाई वो हमें करना चाहिए। भाई ने बोला जाओ गाड़ी सर्विस करवा के लाओ। अब भाई ने बोला है कि मुझे निकलना है जल्दी, गाड़ी सर्विस करवा के लाओ, अब ये अर्जेंट है।
शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी इसलिए है कि भाई भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर करना भी तो आपकी गोल्स में से एक होगा ना यार, है ना। तो Q3 में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो इमीडिएट इम्पोर्टेंट नेचर की नहीं है, जो इमीडिएटली आपके आपके जो भी वर्थ फाइल गोल है, आपका जो विजन है, उसमें हेल्प नहीं कर रही, लेकिन वो अर्जेंट नेचर की है। अम्मा ने बोला जाओ धनिया लेके आओ और गोश्त लेके आओ, ये सब। Q4 वो एक्टिविटीज हैं जो ना ही इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, यानी कि ये टाइम बाउंडेड भी नहीं है और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन अब ये कौन सी हो गई, जैसे जैसे सर हम फॉर्मेलिटी के लिए शादी में जाते हैं। हाँ वो हो गया नहीं, और ये तो खैर आपने वो चीज़ कह दी जो आपको पसंद नहीं है। मैं आता हूँ उस पर जो चीज़ें आपको बहुत पसंद है और वो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप पठान के ढाबे पे 4 घंटे बैठे, इज नाइदर इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। सोशल मीडिया पे 4 घंटे गुजार दिए, ठीक है, नाइदर इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज Q4, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज Q4, यानी कि कोई मना नहीं कर रहा कि दोस्तों में ना बैठिए लेकिन 4 घंटे नहीं हो सकते, कोई मना नहीं कर रहा कि सोशल मीडिया पे ना होइए लेकिन 4 घंटे नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही? Yes, sir. भाई वीकेंड पे एक आध मूवी देख ली फेयर इनफ, लेकिन अगर आपको रोज एक मूवी देखनी है बिकम्स Q4, है ना। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज Q4, ठीक है जी। तो हमने गुफ्तगू कर ली Q1 Q3 Q4 की। Q1 पे हमने कहा वो सारे काम जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं वो Q1 में होंगे। कोई एग्जांपल दीजिए, अगर किसी ने क्रिकेटर बनना है तो एग्जांपल दीजिए उसके लिए एक Q1 एक्टिविटी क्या होगी। अगर किसी का विजन है कि उसे क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए Q1 एक्टिविटी की एग्जांपल दे दें 2-4। भाई ग्राउंड में वक्त गुजारना उसके लिए इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी है। यस सर, प्रैक्टिस भी करना उसके लिए इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी है। प्रैक्टिस सेशन पे वक्त पे पहुंचना जरूरी है, लाइव मैच को देखना उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, जिम को हिट करना वक्त पे उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, है ना। उसे तो एक स्पोर्ट्समैन बनना है तो एथलीट फिजिकली फिट होना चाहिए। यस सर। Q3 की बात कर लें, ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट हैं, इसमें घर से मुतालिक सारे काम जो आपके जिम्मे आ जाते हैं बड़ों से, वो सारे आपको लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको अपने काम रोक के करने होते हैं, ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, Q4 वो सारी एक्टिविटीज जो ना ही इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज Q4, टू मच ऑफ स्मोक, टू मच ऑफ दिस, टू मच ऑफ दैट, एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज Q4, हर चीज लिमिट में अच्छी लगती, ठीक है जी। यहां तक बात हो गई। अब Q2 क्या है? Q2 जो है वो सबसे प्रोडक्टिव रीजन। Q2 ये कहता है कि भाई यहाँ पे वो काम होंगे जो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है। अब इस बात को ज़रा सा समझिएगा और गौर करिएगा। अगर आपको एक ऐसा काम करना है, अब फर्स्ट सपोज कीजिए आपका मिड टर्म कब है, अगले फ्राइडे, अगर आज शाम में आप VLM पढ़ने बैठे हैं तो VLM पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या कोई भी और कोर्स पढ़ने बैठे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं मिड टर्म के लिए, लेकिन अर्जेंट तो नहीं है ना, क्योंकि पेपर तो अगले फ्राइडे को है। आपको मेरी बात समझ आ रही? पीपल आपको मेरी बात समझ आ रही? यस सर। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन क्या है, अर्जेंट है। अर्जेंट है, सही है। तो अच्छा, अगर आपने आज नहीं पढ़ा तो आप कल पढ़ लेंगे, है ना। यस सर। कल भी ये VLM के मिड टर्म की तैयारी करना इम्पोर्टेंट तो होगा, अर्जेंट नहीं होगा। फिर आप आ जाए संडे को, इम्पोर्टेंट है अर्जेंट है?
अभी भी इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट तो नहीं है क्योंकि अभी भी चार दिन है। इसी तरह करते करते भाई बुध आ गया, कुछ नहीं पड़ा है। तो अब वो जो इम्पोर्टेंट चीज थी अब वो क्या हो गई, अब अर्जेंट भी होना शुरू हो गई ना, जुमे की सुबह पेपर है। यस सर। माशाल्लाह आपने बुध को भी नहीं पढ़ा, आपने कहा भाई ऑनलाइन एग्जाम में कौन पढ़ता है, छाप देंगे सीधा सीधा, है ना। तो अब आ गया जुमेरात, अब क्या हुआ, इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी हो गया। अब तो अर्जेंट भी है। यस सर। बात समझ में आ रही है। तो ज्यादातर एक्टिविटीज हमारी जिंदगी में जो होती हैं वो शुरू में इम्पोर्टेंट होती हैं बट नॉट अर्जेंट होती हैं, यानी कि क्यू टू होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और हम उसे वक्त नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, अर्जेंट होती है, अर्जेंट भी हो जाती है। समझ आ रही बात। जैसे कि हम सबकी ये आदत होती है कि गाड़ी का टायर सिर्फ उस वक्त ही चेंज करवाते हैं, हमें पता है कि वो पंचर है, हवा भरवा के चलाते रहेंगे क्योंकि टाइम ही नहीं होता। फिर एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल ही बैठ जाता है, अब तो चेंज कराना ही पड़ेगा। यानी कि हम क्यू टू में जिस वक्त एक्टिविटी होती है उस वक्त उसको एड्रेस नहीं करते जब तक वो क्यू वन ना बन जाए, यानी कि जब तक वो अर्जेंट ना बन जाए हम इम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलें जी अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। हाँ जी, स्लीपिंग क्या है भाई? सर इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी है। इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। कौन से क्वाड्रेंट में डालेंगे आप इसको? स्लीपिंग अर्जेंट कैसे यार, अभी नहीं सोएंगे, बात सुनेंगे। हाँ इम्पोर्टेंट जरूर है आपकी सेहत के लिए, किस क्वाड्रेंट में डालेंगे? वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें आप इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट को डालते हैं? अभी आपने पिछली स्लाइड पे देखा है क्वाड्रेंट टू ना, वन ना सर ना, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, सही बताया था भाई ने। आगे आ जाइए सर, तू ही बताया था। हाँ आपने सही बताया था, मैं बाकी उनको देख रहा था, फॉरन वन बोला ना उन्होंने। वॉचिंग अ लाइव मैच जी, लाइव हो गया तो अर्जेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? लाइव हो गया तो इसके अंदर अर्जेंट है ना? यस सर। लेकिन ये दोनों ही हो सकते हैं। देखें क्यू वाला क्यू थ्री क्यों आया बताएं, सेम चीज पे सेम लिखा हुआ है, वॉचिंग अ लाइव क्रिकेट मैच, उसको हम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट भी मान रहे हैं और एक दफा हम अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। इम्पोर्टेंट एक दफा क्यू वन बन के सामने आ रहा है और एक दफा क्यू थ्री, बताइए क्यों? देखिए ऐसा आदमी जिसका विजन क्रिकेटर बनना हो उसके लिए इट वुड बी क्यू वन, और हमारे आप जैसे लोगों के लिए इट वुड बी क्यू थ्री। बात समझ में आती है नहीं आती? यस सर। सही है, हमारे लिए वो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है लाइव मैच देखना, लेकिन जिसको क्रिकेटर बनना है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट भी, अर्जेंट भी इम्पोर्टेंट। बात समझ में आ रही है? गॉसिप करना ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है, क्यू फोर हो गया। एक्सरसाइज करना अर्जेंट तो नहीं है, इम्पोर्टेंट जरूर है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा जो अर्जेंट नहीं होता इम्पोर्टेंट होता? क्यू टू। शाबाश। दूसरी तरफ से गाड़ी जा रही है उसको देखना अर्जेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पोर्टेंट हो भी सकता है अगर किसी जानने वाले की गाड़ी हो। तो अगर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों है तो बन गया क्यू वन, और अगर इम्पोर्टेंट नहीं है अर्जेंट है तो बन गया क्यू थ्री। बात समझ आ रही? यस सर। अच्छे से समझ आ रहा है सबको? यस सर। अल्लाह करे आपको पेपर में भी समझ आ जाए।
आ गया देखिए भाई, सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम योर स्मार्ट अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट तो नहीं इम्पोर्टेंट है, क्यू टू हो गया, हगिंग योर चाइल्ड क्यू टू, समझ आ रहा है ना भाई, गोइंग टू अ सेल विच इज एंडिंग टूडे, कैन बी क्यू वन इट कैन बी क्यू थ्री, डिपेंडिंग आपको वो सेल से कोई चीज चाहिए या नहीं चाहिए। चले जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो हेडिंग बताइए क्या लिखी हुई है भाई, अब ईटिंग हेल्दी फूड। हाँ तो ये कहाँ कहाँ आप ईटिंग हेल्दी फूड को कहाँ लिखेंगे, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर? क्यू टू। शाबाश, क्यों? क्योंकि नॉट अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, यही कहा ना भाई आपने? यस सर। ठीक है, आप बताइए। एक चीज, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। मैंने आपसे कहा था कि तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो कहाँ पे अमल करती हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो कहाँ पे बर्थ लेती हैं, वो क्यू टू पे होती हैं। लेकिन क्यू टू पे आने से पहले मसला ये होता है कि वो उस पे चली जाती हैं, हम इन्हें यहाँ पे एड्रेस नहीं करते। जैसे हमने टाइम की बात की ना, ठीक है, हमने कहा कि भाई बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शुरू में एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो नॉट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, लेकिन फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, सपोज़ ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ जनरेट हो गई, सही है जी, हो गई जनरेट, अब ये अभी अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारा मसला तो ये है कि हम उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक एक्टिविटी क्या ना हो, अर्जेंट ना हो। तो जब हम इन्हें वक्त पे टाइम नहीं देते तो ये जंप करके इधर आती रहती है, ठीक है, और यही रीजन है कि हमें ऐसा लगता है हमारे पास बहुत काम है, क्योंकि हम हमेशा क्यू वन में जी रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटीज यहाँ जंप करती रहती है। जब भी हम अपने क्यू वन को देखते हैं हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार हमारे ऊपर तो काम ही इतना है, काम ही इतना है। वो काम इसलिए इतना है बेटे क्योंकि आप जो हैं वो क्यू टू को वक्त नहीं दे रहे। अच्छा, क्यू टू को क्यों वक्त नहीं दे रहे? क्योंकि भाई हर वक्त अर्जेंट एक्टिविटी तो सर पे खड़ी है, तो नॉट अर्जेंट वाले को कैसे टाइम दे दें? पहले तो हम अर्जेंट वाले को टाइम देंगे, तो इसलिए वो जो एक्टिविटी अभी अर्जेंट नहीं भी है, चूंकि उसको वक्त नहीं मिल पा रहा, वो भी इवेंचुअली अर्जेंट हो जाती है। ये बात समझ में आती? ठीक है, समझ में आई है बात? तो जो yes, sir. इस एक्टिविटी का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे पास क्यू टू में इनफ टाइम नहीं, हम दो चार काम कर पाते हैं बाकी काम क्यू वन में पहुंच जाता है, दो चार काम कर पाते हैं बाकी काम क्यू वन में पहुंच जाते हैं। क्यू वन में एक क्लटर है और वो सबसे प्रोडक्टिव रीजन तो क्यू टू है, जहां पे आप बगैर टाइम की लिमिटेशन के अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन क्यू टू में हमारे पास वक्त नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमारा क्यू टू बहुत छोटा होता है, उसका रीजन ये है कि वी आर टू मच ऑक्यूपाइड इन क्यू फोर, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्यू फोर तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये आपकी किताब में मौजूद नहीं है, ठीक है, जो सेवन हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल है उसमें ये मौजूद नहीं है। तो क्यू टू तो होना ही नहीं, क्यू फोर तो होना ही नहीं चाहिए। अब अगर हम ये नहीं कह रहे वी ऑल आर ह्यूमन, हमें सब कुछ इधर उधर हर काम रोबोट की तरह तो नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप क्यू टू को बढ़ाना चाहते हैं तो ओनली वे आउट इज कि आप अपना क्यू फोर रिड्यूस करें,
ठीक है जी। और Q4 को रिड्यूस करने का तरीका क्या होगा कि आप वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग को खत्म करें। जब आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग को खत्म करते हैं तो आपका Q2 क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जब आपका Q2 बढ़ता है तो आप जो एक्टिविटीज यहाँ, आपको दुगना टाइम मिल गया ना, अब जो एक्टिविटीज यहाँ पे जनरेट होंगी वो Q1 में नहीं जाएंगी, वो यहीं पे एड्रेस होंगी। तो ऑटोमेटिकली अब आपको Q1 में इतने टाइम की जरूरत नहीं, Q1 भी कम हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो जो गोल्डन रूल है वो ये है कि द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ वेल ही कैन कन्वर्ट हिज Q2s इनटू टाइम रिस्ट्रिक्टेड Q2s। यानी कि आप Q2 को फैसला कर दें कि आज मैं VLM के लिए पढ़ने बैठूंगा शाम 6 से 7। VLM की पढ़ाई इस वक्त इम्पॉर्टेंट थी, अर्जेंट नहीं थी, लेकिन आपने उसको फिर भी टाइम रिस्ट्रिक्ट किया। तो सबसे पहले तो Q2 करें और उस Q2 को टाइम रिस्ट्रिक्टेड करें, ये हो गई पहली बार। और जब आप उसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड करें तो उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे वो Q1 है। यानी कि अगर आज 6 से 7 पढ़ाई नहीं हुई VLM की तो उसको ऐसे आपने इंपॉर्टेंस देनी है जैसे कल सुबह VLM का पेपर है। हालांकि आपको पता है वो पेपर 1 हफ्ते बाद है, लेकिन आप उसको ऐसी इंपॉर्टेंस दें आज कि जैसे कि वो कल है, है ना। ट्रीट देम एज टाइम रिस्ट्रिक्टेड Q1s। और यकीन कीजिए, अब ये चीजें तो मैंने कहीं और पढ़ी है ना, लेकिन मैंने बहुत बायोग्राफीज पढ़ी लोगों की और मुझे ये कॉमन चीज नजर आती है, ठीक है। वो इसको इस नाम से नहीं बोलते हैं, लेकिन देयर इज अ कॉमन थिंग। कोई सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, साइंटिस्ट हो, उन सबका तरीकाकार यही था कि वो अपने स्केड्यूल बनाते थे और स्केड्यूल में उन एक्टिविटीज को इम्पोर्टेंस देते थे जो अर्जेंट ना हो, और वो अपने स्केड्यूल से 2 हफ्ते पहले जी रहे होते थे। तो जो काम होना है वो 2 हफ्ते पहले ही। हाँ, कुछ एक्टिविटीज ज़ाहिर है ऐसी होंगी कि जिन्हें परसों, कल पता चला कि परसों देनी है, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो सब वो बहुत कम होंगी। मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज को वो बड़े अच्छे से हैंडल कर पाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई? ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए बेटा, इन बातों को पकड़ लिया ना तो मजा आ जाएगा जिंदगी भर। अच्छा, ये ना एक कंटिन्यूस मेहनत है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये आज ठीक हो जाएगा और कल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं 10 साल से ही काम कर रहा हूँ, अभी भी रोज रात सोने से पहले जब देखता हूँ दिन कैसा गुजरा, तो बहुत Q1 में गुजरा, बहुत Q4 में गुजरा। लेकिन चूंकि वो जहन में होता है तो 2-4 चीजें Q2 की हो ही जाती है। तो एक मुस्तकिल मेहनत है। इंसान अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा ना कि सहल पसंद है, आसानी की तरफ जाता है। जब तक कोई चीज सर पे ना खड़ी हो उस वक्त तक ध्यान ही नहीं आता। तो लिख लिया जाए तो वो ध्यान में रहती हैं चीजें, है ना। लेकिन इट्स ए कंटिन्यूस एफर्ट। ऐसा नहीं है कि कोई आपने दवा खाई और आप ठीक हो गए और अब आप ऐसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही नजर हटी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोज नमाज के लिए मेहनत है ना, रोज इस काम के लिए भी मेहनत है कि फोकस रहे कि हमारा दिन का कुछ हिस्सा जरूर ऐसी एक्टिविटी पे गुजरे जो अर्जेंट ना हो, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हो, जिसको हम अच्छे से कर रहे हैं। आगे बात समझ रहे बेटा? ठीक है जी, चले जी। पहले सवाल का जवाब दे दें, हु विल वॉच 3 मूवीज ऑन एवरी वीकेंड? नाम लें सर। 3 नहीं 1 देखते। नहीं नहीं, सवाल पूछा जा रहा है आपसे, 4 लोगों का बताया है। अच्छा, ये 4 लोग हैं और चारों अलग अलग क्वाड्रेंट में जिंदगी गुजारते हैं। सुहेल साहब जो हैं वो Q1 वाले आदमी हैं, सलमान जो हैं वो Q2 वाले हैं, अदनान जो हैं वो Q3 वाले हैं, और खालिद जो हैं वो Q4 वाले हैं। अब आप बताइए इनमें से कौन जो होगा वो 3 मूवीज हर वीकेंड पे देखेगा? Q4 को सोचो क्या होता था, Q3 क्या होता था,
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हमने क्या बोला था, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग वॉज क्यू फोर है ना, ऐसे ही बोला था? यस सर। तो बता दो भाई क्या होगा क्यू फोर से? नहीं पता नहीं यार, मेरा ख्याल से मैं ये आपको स्लाइड देता हूँ है ना, शायद उससे आपको बेहतरी हो। ये हम 130 तक कर चुके हैं भाई, ये यानी कि अब आपका जो सिलेबस हो गया वो 130 तक हो गया है आज की क्लास में। हम एक तो एक मेरी मीटिंग भी है 10:30 बजे, और ये मैं आपका क्विज वहां पे कॉपी कर रहा हूँ, इसको आप वहीं पे हल कर दीजिएगा, ठीक है? क्या ख्याल? ओके सर। सर टाइम कितने बजे तक है क्विज का? अभी तो आप प्रैक्टिस कर लें, मैं वापस ज्वाइन करूंगा क्लास को, ठीक है? 10:15 का ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर क्विज की बात करते हैं। पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ लेक्चर रख दूं ताकि आप लेक्चर देख लें। बाकी लेक्चर तो रखे हुए हैं ना, अभी हम रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं हाथ के हाथ, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है ना अब तो, क्योंकि अगली क्लास में तो एग्जाम है। जी सर। अच्छा वो मैंने विजन डॉक्यूमेंट तो रख ही दिया था, वो अभी मुझे दिख रहा है। चलें आप ये डाउनलोड करें, सबसे डाउनलोड हो रहा है लेक्चर 4, और बुक का पेज नंबर 1 से 130 बुक भी अपलोड हुई भी है सबके पास, ठीक है? पेज नंबर 100 से 130 तक एक तो बुक को देख लीजिए, कहां से 100 to 130, और वो देख लीजिए ये स्लाइड्स जो मैंने अपलोड किए हैं ये देख लीजिए, ठीक है जी? यस सर। फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह 10-15 मिनट। ओके ओके सर। ओके सर। कोई जोन है इसके बाद पढ़ लीजिएगा।
अच्छा जी, ठीक है ना, वापस आ जाते हैं। आप लोगों ने ये देख लिया है, जो लेक्चर अपलोड अभी हुआ था, स्लाइड्स। अभी भी बहुत कम बच्चे हैं क्लास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या कर रहा, थोड़ा सा 10:30 बजे तक करते हैं अटेंडेंस। ठीक, आपको किसने का ब्रेक 10:30 तक है? मैंने कहा वी विल बी बैक इन 10-15 मिनट्स। वैसे भी 11 बजे एक मीटिंग है, तो उसकी मुझे वैसे ही ऑफ करना है। ठीक है, तो फिर मैं क्विज अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग क्विज करने की तैयारी करें। ओके सर। ये हमारा थर्ड क्विज है, फोर्थ मेरे ख्याल से सर, थर्ड है ना सर, थर्ड क्विज है। और अब तक हमने कोई असाइनमेंट नहीं दिया है ना? असाइनमेंट एक हुआ है ना, वो जो VLM की हिस्ट्री वाला था, वो असाइनमेंट था ना? यस सर, एक असाइनमेंट हुआ है। वो कुछ ठीक है, वो कुछ ठीक है। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, तो इसको इसी तरह ही रखिएगा। आज 25th है। यस सर। 10:30 पे हम शुरू कर लेते हैं क्विज। और इसको हम खत्म कर लेते हैं। इलेवन पे खत्म कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने वो सबमिट तो नहीं किया है ना, वो फादर वाला असाइनमेंट अभी? नो सर, अभी नहीं। हाँ, लेकिन उसको देख के आपने ही करना जरूर है, सही है? तो ये मैं अभी असाइनमेंट 1 भी अपलोड कर रहा हूँ।
किस चीज का विजन लिखना चाहेंगे आपके ऊपर छोड़ो ये विजन लिखने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए सर? ये असाइनमेंट 3 की बात कर रहे हैं आप? नहीं, असाइनमेंट 1 की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था लास्ट क्लास में जो कि आपको एज एन सर आज का दिन देता सर, कल सुबह तक अपलोड कर देंगे। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। देखिए, ये जो असाइनमेंट 1 है ना, ये इसका पूरा लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर डिस्कशन किया था और आपको एक सैंपल मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है, कि विजन लिखा कैसे जाता है। एक लिखा हुआ विजन पूरे 30 इयर्स का अपलोड कर दिया गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एज प्रोफेशनल आप मुझे अपना विजन बताइए डाउन द रोड 1 year, 5 year, 10 year, 20 year and 30 year और हर टाइम फ्रेम में आपने मुझे कम से कम 3 पॉइंट्स लिख के देने, ठीक है, कि 1 साल बाद आप प्रोफेशनली क्या कर रहे होंगे और 3 पॉइंट्स लिखिए, 5 साल बाद आप प्रोफेशनली क्या कर रहे होंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद और 30 साल बाद, और आपने ही इस लिखे हुए विजन को आप यानी कि जो आपका 20 ईयर वाला विजन है उसको इवेल्युएट कीजिए उस पर विजन की करेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है, खुद ही इवेल्युएट करके भेजिएगा। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। 20 सारी स्टेटमेंट्स को नहीं करिएगा इवेल्युएट, सिर्फ 20 ईयर पे जो आपने स्टेटमेंट्स 3 लिखी होंगी ना, उन तीनों को अलग-अलग इवेल्युएट करिएगा। इसका आपको ना दोनों जगह फायदा होगा, ठीक है, एक तो आपका असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे और इससे आपको पेपर में भी बहुत फायदा होगा। समझ में बात को? यस सर। सर अभी कोई 10:30 पर स्टार्ट होगा जी, अभी आप जाके देखें आपको नजर आ रहा है क्या कोई? नहीं सर अभी नहीं, टाइम आ रहा है क्या 10:30 पर स्टार्ट होगा सर। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, सवाल लिखा हुआ आ रहा है, सवाल दिख रहा है या वो नहीं दिख रहा? नहीं सर वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये मैं 11 बजे शुरू करवा रहा हूँ इस असाइनमेंट को, ठीक है, और ये सबमिशन मैं आपको दे रहा हूँ 3 दिन की, ठीक है, संडे तक। हाँ, आराम से कर लीजिए, लेकिन इसको ऐसे कर लीजिए कि इट विल हेल्प यू। ओके सर। सर LMS पे रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड? जी वो मैं कर रहा हूँ।
मेरा ख्याल है मैं अब सबसे पहले रिकॉर्डिंग सी अपलोड कर दूं। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का क्विज शुरू होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि उसके बाद आप चाहें तो साइन आउट कर लें, हम ये जूम का सेशन क्लोज कर लेंगे और उसके बाद मैं इन रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करना शुरू करता हूँ। ठीक है, सर क्विज के बाद अभी क्लास अभी कंटिन्यू होगी या फिर एंड हो जाएगी? क्विज के बाद आज क्लास क्लोज कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज कवर कर लिया है जो हमें करना था। मिड टर्म के बाद हमारी कितनी क्लासेस होंगी सीआर, दो या तीन? सर क्लास में नहीं है सीआर ना, वो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं करने में। ओके चलो ठीक है, तीन क्लासेस और होंगी। तीन क्लासेस होंगी ना, बस मैं रिकॉर्डिंग सब कर देता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अब जरूरत उसी की है। जब तक आप लोग क्विज करेंगे मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसमें कनेक्ट रहिएगा। क्विज के दौरान कोई सवाल वगैरह हो या असाइनमेंट को देख लीजिए, इसको लेके कोई सवाल हो तो वो मुझसे अभी पूछ लीजिए। आज हमारा चौथा लेक्चर है ना, यानी कि हमारे लेक्चर हुए 4, 11, 18। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगे। मैं हमें
childhood, my interest in computer gaming, I... graphical तो yes, इस कॉल बाद के आने वाला आदमी भी रख सकते जी जनाब, क्वेश्चन शुरू हो गया तो मुझे कंफर्म करिए प्लीज। यस सर, क्वेश्चन शुरू हो गया सर। कोई सवाल हो क्वेश्चन में तो पूछिएगा। सब लोग आ गए हैं तो मैं अटेंडेंस इस वक्त मार्क कर दूं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फसील, मैंने कोशिश की है कि आपकी पिछली क्लास की अटेंडेंस भी लग जाए, अल्लाह करे लग जाए, वो आगे
डेटाबेस में ना गई हो, ठीक है, इसलिए कि सर वो भाई का भी एक एक्सीडेंट हो गया है जिन्ना में उसमें लगे में सर, इस वजह से हो जाए तो अच्छी बात है सर। ग्यारह बजे तक है क्विज? यस सर। बस अच्छे से कर लें इसको, अच्छे से पहले पढ़ें सेशन दो।
जी स्टूडेंट्स, क्विज हो गया आपका? जब क्विज हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा ताकि हम असाइनमेंट्स को थोड़ा डिस्कस कर लें।
सर कैन आई लीव द क्लास? अगर आपको असाइनमेंट से मुताल्लिक कोई गुफ्तगु नहीं करनी है ना, यू आर कॉन्फिडेंट कि आप उस डिस्कशन के बगैर कर सकते हैं, तो श्योर क्या ख्याल है, कर लेंगे? आपने वो देख लिया है जो लास्ट क्लास में मैंने सैंपल अपलोड किया था, क्या वो देख लिया आपने? अगर उसमें आपको इशू नहीं है तो आई एम श्योर के बाद में भी नहीं होगा। चले जी, उम्मीद है अब तक तो आपने कर लिया होगा। मैं अब शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, सब देख लीजिए। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? पीपल आर यू थ्रू विद द क्वेस्ट? सीआर साहब भी नहीं है यहाँ पे अब तो। आप लोगों का क्विज हो गया है तो आप ये असाइनमेंट देख लीजिए प्लीज। देखिए ये एक सैंपल है जिसमें एक फादर जो है वो अपना विजन लिख रहे हैं और अपने बेटे का विजन लिख रहे हैं, और ये इन्होंने स्टार्ट किया है 25 इयर्स पे। ठीक है, 25 इयर्स कि वो क्या कर रहे होंगे,
उनकी क्या एज होगी, उनके बेटे की क्या एज होगी आफ्टर 25 years, यानी कि जिस वक्त लिखना शुरू किया वो 3 years का है ना, और वो क्या कर रहा होगा मुख्तलिफ रोल्स में। फिर इसी तरह आफ्टर 25 years के बाद उन्होंने उसका विजन लिखा 10 years का, ठीक है जी, अपना भी और अपने बेटे का भी, कि वो क्या कर रहा होगा जैसे उसकी उम्र 13 होगी और वो क्या कर रहे होंगे, इस तरह लिखना। तो मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है वो बिल्कुल इसी तरह दिया है, ठीक है। वो असाइनमेंट इसी तरह है कि जनाब आपने अपने एज प्रोफेशनल विजन लिखना है, ठीक है नहीं, और एज प्रोफेशनल जो आपका विजन है वो आपने 5 time frames में लिखना है, 30, 20, 10, 5 and 1, ठीक है जी। और हर टाइम फ्रेम के लिए आपने कम से कम 3 points लिखने हैं, जिस तरह इसमें लिखे हुए हैं, तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रोल इसमें फादर और सन का है, वहाँ आपका रोल है एज प्रोफेशनल। और जब आप ये लिख लें, यानी कि पहले आप 30 years का लिखे हैं, फिर 20 years का, फिर 10 years का, 5 years का, 1 year का, उसके बाद जो 20 years के विजन में आपने 3 points लिखे थे, उन तीनों पॉइंट्स को आपने इवेलुएट करना है। जो 9 विजन की करेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाई गई हैं, 9 लूसिडिटी, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, अटेनेबिलिटी, वो सब, और उनकी बेस पे 20 year विजन को इवेलुएट करना है। लिखना 5 time frame में, लेकिन इवेलुएशन करनी है सिर्फ 20 years टाइम फ्रेम के विजन की, और उसको आपने उसको इवेलुएट करके आपने ये बताना है कि आप उसको कितने नंबर दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं पहले, ठीक है जी। आउट ऑफ ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 आप उसको मार्क कर दीजिए और रीज़न लिख दीजिए कि आपने अटेनेबिलिटी में अगर 5 नंबर दिए तो क्यों दिए, आपने लॉफ्टीनेस पे 9 नंबर दिए तो क्यों दिए, आपने कंक्रीटनेस पे 4 नंबर दिए तो क्यों दिए, ठीक है जी। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू एन हाफ टू अ मिड टर्म, यानी कि ये पूरे 10 नंबर का असाइनमेंट है, तो इसको वही इम्पोर्टेंस दीजिएगा, यानी कि 10 नंबर की एफर्ट उसमें नज़र आए। इस हवाले से कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। Any question whatsoever? Clear है सर। Clear है। मेरा ख्याल है वो 11 बजे, अभी 10:55 हो गए हैं, तो 11 बजे तक ये आपकी लेक्चर रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो रही हैं और वो भी खुल जाएगा, तो उसे एक नज़र देख लीजिए, देन वी कैन कॉल ऑफ द क्लास, ठीक है जी। एक दफ़ा अगर आप देख लेंगे तो इट वुड बी।
अच्छा सर देखिएगा लेक्चर वन की मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की है, आप लोगों नजर आ रही? Can anyone please confirm? सर आपने YouTube लिंक अपलोड किया है सर? जी बिल्कुल जी जी सर, आप खोल के देख लें एक दफा कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा प्लीज। जी सर वो दरअसल लैपटॉप में खोल लेंगे। ठीक, आप मुझे कंफर्म कर दीजिए। जी सर यूट्यूब का लिंक खुल रहा है लेकिन सर वो लिखा हुआ आ रहा है दिस वीडियो इज प्राइवेट। सर चल नहीं रहा। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसकी तो वीडियो नॉट अवेलेबल पब्लिक करना पड़ेगा ना। ठीक है मैं देख। आप चेक कीजिएगा लेक्चर वन वाली वीडियो को, दोबारा चेक कीजिए। जी सर ओपन हो गई। आप जरा असाइनमेंट को भी देख लें, 11 बज गए, वो विजिबल हो जाएगा तो फिर हम क्लास को खत्म कर दें। जी अटेंडेंस तो अटेंडेंस के वक्त पे होती है सर। सर मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर सका, आप ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरी गलती थी सर। नहीं नहीं सर वो बात नहीं, लेकिन यार मैं क्विज के दौरान कैसे ज्वाइन कर सकता। अरे हेलो जी कहिए सर, वीडियो भी चल रही है सर, विजिबल है वीडियो। क्विज भी देख लें, क्विज में कोई सवाल हो क्विज को खोल के देख लीजिए, और क्विज नहीं असाइनमेंट को, असाइनमेंट जो दिया है अभी।
सर ये पूछना था, जैसे हम क्विज करते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, वैसे ये भी पीडीएफ की फॉर्म में करना होगा हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह हमारा तरीके का आ रहा है। सर मैंने क्विज तो अपलोड कर दिया है, और असाइनमेंट आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं। सर विजिबल है, विजिबल है सर, अब विजिबल है। आपने विजन स्टेटमेंट दिए सर, नाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़ दीजिए जरा क्या लिखा हुआ है असाइनमेंट में। यस सर, प्लीज राइट द विजन ऑफ 30-20-10 5-1 इयर्स टाइम फ्रेम पर इन द रोल्स ऑफ प्रोफेशनल। ईच टाइम frame should have at least 3 points. Evaluate the 20-year time frame vision statement on the basis of 9 visual characteristics. ठीक है, ठीक है, मेरा ख्याल से सही है जी। So we can conclude yes, sir. the discussion for today. ठीक है जी, और ये assignment का आपको पता है, आपके पास 3 दिन है, इसको आप कर लीजिए। Yes sir. Monday तक का time है sir. Okay sir. All right people, take care. Thank you. Okay sir, खुदा हाफिज़ सर, जुमा मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह।